ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लगातार इस चैनल के जरिए हमेशा लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें ताकि आप एक बेहतर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाएं। सो पिछले कुछ दिनों में जो मैं ये शो पर्टिकुलरली कर रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में मैं लगातार क्यूबेक के स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जो काफ़ी परेशान हैं, और हमारे स्टूडेंट भी हैं उसमें, और उसमें बहुत सारे अलग कंसल्टेंट के स्टूडेंट इवन जो मेरे ऑफिस तक विज़िट किए और मुझसे पर्सनली मिले हैं। सब बच्चों की एक ही परेशानी है रिजल्ट्स को लेके, काफ़ी ज़्यादा वो थक भी चुके हैं। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ और आगे का क्या सिचुएशन रहेगी या क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं आपके लिए, उनमें से आप कुछ भी देख सकते हैं जो आपके सिनारियो के हिसाब से आपके लिए सूटेबल हों। क्यूबेक के बच्चों की सबसे बड़ी परेशानी है रिजल्ट्स का ना आना, और इस समय क्योंकि दूसरे बहुत सारे बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका जो पैनिक लेवल है वो और बढ़ता जा रहा है कि यार मेरा दोस्त चला गया, मेरे रिलेटिव्स चले गए, तो मैं नहीं अभी जा पा रहा हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। नाउ क्यूबेक के बच्चों के लिए एक चीज़ क्यूबेक के स्टूडेंट्स जानते भी हैं कि रिजल्ट्स क्यूबेक के आ रहे हैं। पहले ये रिजल्ट्स रुक चुके थे बिल्कुल, लेकिन आज की डेट में कम से कम रिजल्ट आ रहे हैं। रिजल्ट ज़्यादा नेगेटिव आ रहे हैं, कम पॉजिटिव आ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है जो मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। और ये जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं इसको हम प्रेजेंटली बींग अ कंसल्टेंट कैसे देखा जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही देखा जा रहा है जब कैनेडा के सितंबर इनटेक के रिजल्ट आने शुरू हुए और स्टार्टिंग में नेगेटिव रिजल्ट्स आए और फिर उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया जुलाई एंड से और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। सो इसी तरह से कुछ क्यूबेक के रिजल्ट्स को प्रेजेंटली देखा जा रहा है कि पहले जो रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं वो प्री डिसाइडेड रिफ्यूज़ल्स हैं जो पहले फ्लोट हो रही हैं, और आने वाले दिनों में जिनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं वो आने वाले दिनों में वीज़ास में कन्वर्ट होंगे और ज़्यादा वीज़ास देखने को मिलेंगे क्यूबेक के अंदर। क्यूबेक के में जो प्रेजेंट आपकी सिचुएशन है उसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये है जो मेरी एडवाइस भी है, लेकिन मेरी ये एडवाइस मानने से पहले उसके कॉन्स एंड प्रॉन्स दोनों चेक कर लें, मतलब उसकी का प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसमें फ़ायदा क्या हो सकता है। बहुत सारे बच्चे डेफर करने की जो नीति है उसे अपनाते हैं, मतलब कि सितंबर आ गया तो जैन के लिए डेफर कर दो, फिर जैन आएगा तो मार्च के लिए या मई के लिए डेफर कर दो। एक चीज़ समझो कि आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, अगर आप रिजल्ट्स के आगे आगे भागोगे तो रिजल्ट्स और लेट होते जाएंगे। तो सबसे पहले क्यूबेक के बहुत सारे कॉलेजेस ने ऑलरेडी आपको एक रिलैक्सेशन दे रखा था कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो आपका पैसा डिडक्ट नहीं होगा। सो दैट इज़ अ वन वे आई सजेस्ट कि अपने कॉलेज से पहले उसकी रिफंड पॉलिसी चेक करें। दो चीज़ों को लेकर रिफंड पॉलिसी चेक करना, पहली चीज़ कि अगर मैं रिफ्यूज़ होता हूँ तो व्हाट विल बी द डिडक्शन, और अगर मुझे इन केस फ्यूचर में किसी भी वर्स्ट केस सिनारियो में आप विड्रॉ करना पड़ता है तो आप क्या डिडक्ट करोगे। तो दोनों डिडक्शंस का जान लेना, उसके बाद आपको अपने मन को एक ब्रेक देना है कि भाई मुझे वेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि वेट के अलावा सेकंड ऑप्शन है विड्रॉल, लेकिन विड्रॉल भी कोई 4 या 5 दिन या 10 दिन में अप्रूव नहीं हो रहा, उसमें भी पिछले 1.5-2 महीने से किसी का विड्रॉल अप्रूव नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, जो मेरे पर्सनली कोई इन टच में नहीं आया स्टूडेंट। तो मतलब जो विड्रॉल्स भी डाले गए वो भी होल्ड पे ही पड़े हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहली मेरी आपको एडवाइस यही है कि अगर आपको रिफंड पॉलिसी सूटेबल लगती है तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगा लें। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा लेंगे तो आप उसको अपडेट भी कर दें अपने वेब फॉर्म के थ्रू, ताकि जब भी आपकी फाइल खुले उस पर वीज़ा ऑफिसर डिसीजन दे सके, बिकॉज आप प्रेजेंटली पढ़ रहे होगे रेदर देन अगर आपने जैन के लिए डेफर किया होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी कि आप जैन में चले जाओगे और आपका रिजल्ट और लेट हो जाएगा। फिर जैन के अगर इनकेस खुदा ना खास्ता रिजल्ट लेट होते हैं तो आप अगर फिर वहाँ से डेफर करोगे तो फिर आगे आगे भागते रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपको जो ब्रेक है वो डालनी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ वन सजेशन ऑफ माइंड कि आप उसके जो नेगेटिव पॉजिटिव चेक करके अगर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो क्यूबेक की तो कर लेनी चाहिए। अब पहले मैं ये प्रमोट नहीं करता था, जब बहुत सारे बच्चों ने पहले स्टार्ट करवाई मैंने किसी बच्चे से स्टार्ट नहीं करवाई, अब मैं इसलिए स्टार्ट करवा रहा हूँ। और कह रहा हूँ रीज़न बींग कि IRCC डिक्लेयर कर चुकी है कि हम उन 10 कॉलेजेस के ऊपर रिजल्ट देंगे आपको, और हम उनकी फाइलें प्रोसेस कर रहे हैं और प्रैक्टिकली हम उन फाइलों को आप भी प्रोसेस होते हुए देख लें। और जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस है वो समवेयर जो है वो अक्टूबर एंड तक ऑलमोस्ट जो फाइल्स हैं वो कंक्लूड हो सकती हैं अगर IRCC कंसिस्टेंटली इन फाइलों के ऊपर काम करता रहेगा। नाउ इट्स योर टर्न कि आपने डेफर करना है या आपने ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करना है। मेरी एडवाइस है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए फॉर दिस इनटेक, ताकि आपका रिजल्ट चाहे अक्टूबर में आए चाहे नवंबर में आए तो एटलीस्ट आप जब भी आए आपका एक तो रिजल्ट आ जाएगा, वो किसी इनटेक के कारण रिजल्ट लेट नहीं होगा,
और आप टाइम से अपना जो फ्लाइट है या कुछ भी है वो ले सकोगे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने के लिए मैंने किया ये शो, ताकि क्यूबेक के बच्चे ज़्यादा परेशान ना हों, और जैन इनटेक में भी जो बच्चे फाइल्स लगा रहे हैं वो इन 10 कॉलेजेस को अवॉइड कर लें। दिस इज़ माई सजेशन। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं जी अब उनके रिजल्ट आ रहे हैं हम फाइल लगा सकते हैं। फाइल लगा सकते हैं, लीगली आपको कुछ नहीं रोकता, आपको सी ए क्यू भी मिलेगा, कॉलेज एडमिशन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बट एक प्रेजेंट सिनारियो को समझें कि अगर उन कॉलेजेस की ऑलरेडी फाइल्स इतनी सारी बैकलॉग्स में हैं तो उसके बीच में आपका रिजल्ट टाइम से आ पाना थोड़ा डाउटफुल रहेगा। सो बेटर है टू अवॉइड दोज कॉलेजेस और टू अवॉइड मॉन्ट्रियल। जैसे भी आप करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं, और आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये चैनल आपकी हर परेशानी को लेके हमेशा बॉदर्ड रहता है, हम कंसर्न रहते हैं, और उसके ऊपर जो भी हमारी एक्सपर्टीज़ एडवाइस होती है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने जो डिसीजंस हैं वो उनको एक अच्छा कंक्लूजन दे सकें। और कनाडा वाले बच्चे, खासकर क्यूबेक वाले जिन बच्चों की आज बात की है, आई एडवाइस देम कि वो अपने आप को होल्ड करके रखें, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट्स वो जल्दी ले पाएंगे। और ब्रॉडवे आपको बहुत जल्द आपके शहरों में मिलने आ रहा है। सेमिनार्स की डेट आप लगातार स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। अमृतसर से ये सेमिनार स्टार्ट होंगे, मोहाली में ख़त्म होंगे, और उसके बाद फिर सेकंड पड़ाव में हम उन शहरों में सेमिनार्स करने जा रहे हैं जहाँ पर हमारे अभी ऑफिसेज नहीं हैं, और आने वाले दिनों में वो ऑफिसेज खुलने वाले हैं। सो ब्रॉडवे के साथ, मेरे साथ, मेरी टीम के साथ मिलना चाहते हैं फेस टू फेस, तो सेमिनार्स के लिए रजिस्टर करना शुरू कर दें। उसका रजिस्ट्रेशन का बेस्ट वे जो है, आप हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जा सकते हैं, और वहाँ पर जाके आप एक जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, उसमें से आप अपना नियरेस्ट जो भी सेमिनार आपके शहर में उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी, आप 1-to-1 भी मेरे साथ वहाँ पे मिल सकेंगे। डजेंट मैटर आपने मेरे से अप्लाई किया, कहाँ से अप्लाई किया, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आप आ सकते हैं। आप कहीं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेजेंट कंट्री की सिचुएशन जानना चाहते हैं, ट्रैवल को लेके, वीज़ा को लेके, रूल्स को लेके, रेगुलेशंस को लेके, तो वो सारी अवेयरनेस आपको इन सेमिनार्स में दी जाएगी। सो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उन सेमिनार्स में ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, अ सिंपल 3 steps। नंबर 1, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर 2, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम, एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।